Viewers, good morning. This is NJ here. Welcome to English class. Let's view spoken English phrases. Guys and girls, Assalamu alaikum. आज हम English बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले जुमलों के बारे में जानकारी करते हैं और उन्हें भरपूर तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करते हैं. आइए पीछे व्हाइट बोर्ड पे इन जुमलों को देखते हैं. Guys and girls, let's have a look on the white board behind. Here we have the first one is he belched loudly. उसने जोर से डकार लिया. belch होता है डकार लेना. belch body sounds हैं. ये belch जो है ये body sounds हैं. इंसानी body, इंसानी जिस्मानी आवाज है. belch डकार लेना. He belched loudly. उसने जोर से डकार लिया. He belched loudly. आइए अगला जुमला देखते हैं. Next one is Pardon me for burping. मुझे डकार लेने पर माफ कीजिए. Pardon के मानिए माफ करना. Me मुझे. For के लिए burping डकार लेना. Pardon me for burping. मुझे डकार लेने पर माफ कीजिए. Pardon me for burping. मुझे डकार लेने पर माफ कीजिए. खूबसूरत जुमला है. ये भी बॉडी साउंड्स के हवाले से है और इसमें बार्प लफ्ज है. बार्प बार्प के माने भी डकार लेना है. Pardon me for burping. डकार लेने पर मुझे माफ कीजिए. नेक्स्ट अगला जुमला देखते हैं. Let's give a big clap. आओ जोर से ताली बजाएं. क्लैप के मानी है ताली बजाना, हाथ से ताली बजाना. तो जब ताली बजाते हैं तो साउंड्स पैदा होती है. तो ये भी बॉडी साउंड है. लेट्स गिव अ बिग क्लैप. आओ जोर से ताली बजाएं. आइए अगला जुमला देखते हैं. नेक्स्ट वन इज Who let out the fart? ये क्वेश्चन है. पाथ किसने मारा? Who let out the fart? पाथ किसने मारा? ये एक इंटरोगेटिव जुमला है और ये भी बॉडी साउंड है. fart पाथ को कहते हैं. पाथ किसने मारा? Who let out the fart? पाथ किसने मारा? ये बॉडी साउंड्स में आता है. आइए अगला जुमला देखते हैं. She could not stop hiccup. वो हिचकी ना रोक सकी. हिकअप हिचकी को कहते हैं. अक्सर हिचकी लगती है. तो ये भी कुदरती अमल है. बॉडी साउंड है. She could not stop hiccup. वो हिचकी ना रोक सकी. आइए अगला जुमला देखते हैं. नेक्स्ट वन इज Gargle with hot salty water. नमकीन गर्म पानी से गरारे करें. गार्गल के मानी है गरारे करना. विथ सॉल्ट हॉट गर्म सॉल्टी नमकीन वाटर पानी को कहते हैं. विथ प्रपोजिशन है. गार्गल विद हॉट सॉल्टी वाटर. नमकीन पानी से गरारे करें. गार्गल विद हॉट सॉल्टी वाटर. गला खराब हो तो अक्सर कहा जाता है कि गर्म पानी में नमक डालें और इससे गरारे करें ताकि आपके गला और थ्रॉट्स को जो है आराम पहुँचे, हील अप हो. तो ये भी इंतहाई अच्छा जुमला है. ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है. गॉर्गल विथ हॉट सॉल्टी वाटर. नमकीन गर्म पानी से गरारे करें. आइए अगला जुमला देखते हैं. नेक्स्ट वन इज डस्ट मेक्स हिम स्नीज. धूल से उसे छींक आती है. स्नीज के मानी है छींकना. डस्ट धूल को कहते हैं. हिम उसे और मेक आना. डस्ट मेक सिम स्नीज. धूल से उसे छींक आती है. स्नीज का मानी है छींक आना और अक्सर बाहर सड़क पे या रोड पे चलते हुए पॉल्यूशन की वजह से, डस्ट की वजह से, धुएं की वजह से अक्सर छींकें आती हैं. तो डस्ट मेक सिम स्नीज. धूल से उसे छींक आती है. लेट्स गाइस हैव अ से अगेन. आइए जुमलों को फिर से देखते हैं. He belched loudly. उसने जोर से डकार लिया. नेक्स्ट वन इज पार्डन मी फॉर बर्पिंग.
पार्डन मी फॉर बर्किंग बर पेन, पार्डन मी फॉर बर पेन, मुझे डकार लेने पर माफ कीजिए। नेक्स्ट वन इज लेट्स गिव अ बिग क्लैप, लेट्स गिव अ बिग क्लैप, आओ जोर से ताली बजाएं। एंड नेक्स्ट इज हु लेट आउट द फॉग, हु लेट आउट द फॉग, हु लेट आउट द फॉग, पाद किसने मारा। आइए अगला जुमला देखते हैं। शी कुड नॉट स्टॉप हिकअप, शी कुड नॉट स्टॉप हिकअप, वो हिचकी ना रोक सकी। नेक्स्ट वन इज गार्गल विद हॉट सॉल्टी वाटर, गार्गल विद हॉट सॉल्टी वाटर, नमकीन गर्म पानी से गुरारे करें। एंड लास्ट वन इज डस्ट मेक्स हिम स्नीज, डस्ट मेक्स हिम स्नीज, धूल से उसे छींक आती है। गाइस एंड गर्ल्स, आज आपने उन अल्फाज के साथ जुमलों की प्रैक्टिस की जो बॉडी साउंड्स के हवाले से वो इंग्लिश बोलचाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिन्हें आपने शायद पहले ना पढ़ा हो या आपके नॉलेज में ना आए हों। आज ये एक आपके नॉलेज में अच्छा इजाफा है कि इंसान को अपनी हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से बॉडी साउंड्स के बारे में पता होना चाहिए। आई होप You would make a good practice with these spoken phrases. I wish you all the best. See you again. Goodbye.